भी उनसे मिलता है उसे वो अपना बना लेती हैं। हमारे हाउस की जो मम्मी हैं जिनका नाम अंजना राजगोपाल है, पर हमारे स्टाफ का हर मेंबर उन्हें मम्मी ही बुलाता है, क्योंकि ये मम्मी शब्द जो है हर किसी को बहुत सपोर्ट करता है। कोई भी इंसान कितना ही परेशान हो पर उसे माँ का सहारा जब मिलता है तो उसे खुशी होती है कि हाँ मेरे साथ कोई तो है जिसका सपोर्ट है मुझे। तो ऐसा ही सहारा इन्होंने सबको दिया, ऐसे बच्चे जिनका कोई भी नहीं था उन्हें अपने पास रखा, पाला, बड़ा किया, पढ़ाया और ज़िंदगी जीने का हर एक चीज़ सिखाई बाहर की ज़िंदगी के लिए। और सबको बहुत सपोर्ट करती हैं वो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर जब हम उनसे मिलते हैं तो मम्मी बोलते हैं उन्हें, और वो काफ़ी ट्रीट भी एज अ मम्मी ही करती हैं, जैसे एक माँ होती है उस तरीके से उनमें माँ की छवि दिखती है। इन्होंने देश के कल को सुधारने के लिए अपने आज को इन बच्चों के नाम कर दिया और शादी न करने जैसा बड़ा फैसला लिया। आज इन बच्चों के साथ इनकी व्यस्तता का आलम यह है कि ये अपनों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। मुझे लगता मैंने बहुत अच्छा किया कि शादी नहीं किया, अगर शादी करती तो शायद आज ये काम नहीं कर पाती और इतने बच्चों की माँ भी नहीं बन पाती। तो जो खुशी आज जो मुझे मिल रही है वो शायद मुझे कभी नहीं मिलती। मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खुद मेरे से मिलने आते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता उनसे मिलने के लिए। तो दो सिस्टर साउथ में रहते, एक कोयम्बतूर में, एक चेन्नई में, एक ब्रदर अफ्रीका में रहता है, एक भोपाल में रहता है, एक नोएडा में ही है, एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। इन बच्चों की आंखों की चमक और होठों की मुस्कान खुद ब खुद इस बात का इजहार करती है कि इनका बचपन प्यार भरे सुरक्षित वातावरण में फल फूल रहा है। अंजना बाल कुटीर में आने वाले 6 माह से कम उम्र के बच्चों की देखभाल खुद करती हैं। बाल कुटीर में इस समय 3 साल की प्यारी सी टिया से लेकर 35 साल का रजत अपनी माँ के साथ बेहद खुश है। एक माँ की तरह इनको भी अपने सारे बच्चे एक समान नजर आते हैं, इसलिए ये कभी भी बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चे हम उनको बहुत अलग नहीं रखते क्योंकि उससे उनको फीलिंग आता है कि हम अलग है। हम उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, पर हाँ हम होम्योपैथिक दवाइयों की सहारा लेते हैं जहाँ वो जैसे डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ